सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या की तिथि पड़ती है। इसके बाद से शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है। वैसे तो देखिए शास्त्रों में सभी अमावस्या की जो तिथि है वो पितरों को समर्पित की गई है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि खासकर अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से तर्पण और कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही पितरों के नाम से पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद ही कुछ न कुछ दान किया जाता है। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय अपने पितरों का भी ध्यान जरूर करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, साथ ही अपने परिवारजनों को और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिसके कारण पितर दोष जो है वो भी दूर हो जाता है। पितर दोष जिस घर में होता है उस घर में भारी कलह क्लेश होता है, उस घर में कभी तरक्की नहीं हो सकती, ना ही ऐसे घर में कोई बरकत होती है। इसलिए अमावस्या की तिथि पर संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान, नहीं तो घर पर ही गंगा जल और काली तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही सूर्य देवता को जल भी अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या के दिन गंगा स्नान कर पूजा करने से व्यक्ति को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आप आज के दिन पितरों के निमित्त दान करते हैं तो पितर भी संतुष्ट होते हैं, उन्हें भी शांति मिल जाती है। अमावस्या तिथि को पितृदोष और काल सर्प दोष के निवारण के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन पितरों के लिए पिंडदान करने से उन्हें तमाम यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है और वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। कहा जाता है जिन पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है उनके वंशज, उनके परिवारजन अपने जीवन में खूब फलते फूलते हैं और उनके जीवन में किसी भी सुख की कोई कमी नहीं रहती। अमावस्या के दिन कुछ ऐसे काम हैं जो हर किसी को अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी मोक्ष कामना करने के लिए जरूर करना चाहिए। जैसे कि अमावस्या के दिन आप स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान कृष्ण की पूजा करें और गीता का पाठ करें या श्रीमद् भगवत महापुराण की कथाएं पढ़ सकते हैं या सुन भी सकते हैं। साथ ही पितरों को याद करते हुए उनके नाम से गरीबों को या जरूरतमंद व्यक्तियों को भरपेट भोजन कराएं, उन्हें गर्म वस्त्रों का दान करें, अनाज का दान आप कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। कहते हैं जिस घर में लगातार समस्याएं बनी रहती हों, चाहे वो परिवारजनों में आपसी कलह क्लेश हो या कोई भी काम बनता नहीं हो, उन्हें अमावस्या के दिन खास तौर से दीपदान करना चाहिए। हो सके तो पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद आप बहते हुए जल में दीपदान करें या फिर किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे या अपने आसपास जो भी मंदिर हो या सुनसान निर्जन जगह पर आपको दीपदान करना चाहिए। कम से कम एक दिया आप जरूर जलाएं। अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से पीपल का पौधा लगाने से कहा जाता है पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही अगर हो सके तो अमावस्या की तिथि को आप शक्कर और आटा मिलाकर काली चींटियों के लिए डालें, पशु पक्षियों के लिए दाना आप डाल सकते हैं, काली गाय को गुड़ और रोटी खिला सकते हैं या हरा चारा आप उन्हें खिला सकते हैं। अगर किसी के घर में भारी पितृ दोष है तो अमावस्या के दिन खास तौर पर मछलियों को आप आटे की गोलियां जरूर खिलाएं।